ださいよ。それだ、それだ、それだ、それだ、え？ठीक है सरदार, सरदार ठीक है, परंतु ये संभव कैसे हुआ? आपने तो सांस लेना ही बंद कर दिया था। हाँ सरदार, मुझे भी लगा था कि मैं मर गया हूं। चारों ओर अंधेरा था और फिर मैंने एक रोशनी देखी, एक फकीर के रूप में। जैसे ही मैंने उनका हाथ थामा, मेरी आंखें खुल गईं। फकीर? कौन फकीर सरदार? नहीं जानता उन्हें, नहीं पहले कभी उन्हें देखा ना मिला। ये लोग कौन हैं और हम यहां क्यों हैं? यही तो थे वो फकीर। देख लिया अपने साई की लीला? इसमें कोई संदेह नहीं, क्या भक्तों के तारनहार है साई? आप जानते हैं इन्हें? मुझे इनके पास ले चलिए। जरूर। सरकार, ये कैसे मुमकिन है? वो फकीर तो यहां था ही नहीं, फिर उसने इस मरे हुए डाकू को जीवित कैसे किया? इन लोगों की तरह तुम्हारी भी मति मारी गई है क्या? वास्तव में ये डाकू मरा ही नहीं होगा, बेहोश होगा, पर इसके साथियों को लगा ये मर गया। मुझे पास जाकर जांच करनी चाहिए थी। लेकिन वो तो कह रहा था कि उसने फकीर को देखा है। इतने सारे लोगों का शोर सुनते उसे होश आने लगा होगा। होश आते समय इसे लोगों के जयकारे सुनाई दे रहे थे। सब लोग उस पखंडी के नाम का नाद कर रहे थे। उसी समय उसकी दृष्टि उस फकीर की तस्वीर पर गई और उसे उसे भ्रम हुआ कि इसी फकीर ने मुझे जीवित किया। मूर्छा से बाहर आते समय यथार्थ और कल्पना में कई बार अंतर समझ में नहीं आता। तुमने ध्यान दिया? उस सरदार को कुछ याद नहीं था। चलो यहां से, व्यर्थ समय नष्ट किया। चलो। बोलो साईं बाबा की, बोलो साईं बाबा की।
माफ करना बेटी, तेरी इच्छा मार कर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भूल जा बाबा उस बात को। दामाद जी, मेरी बेटी लक्ष्मी है, मुझे यकीन है कि मेरी बेटी अपनी अच्छाई से आपके घर में खुशियां भर देगी। बस आप उसे दुख मत देना। बेटे से कोई माफी मांगता है? नहीं ना। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आपसे नाराज हूं, सच में ना ही इससे और ना ही आप लोगों से। मुझे सब चीज का एहसास है। सुगंधा तो सच में लक्ष्मी है। इतने सालों से इसने हमारे घर को संजो के रखा है। इससे अच्छी जीवन संगिनी तो मुझे मिल ही नहीं सकती। जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आप लोगों का आशीर्वाद। बस वो तो हमेशा तुम दोनों के साथ है बेटा। तो बस फिर किस बात की चिंता है? आप देखना, इस घर से एक पैसे लिए बिना सुगंधा को मैं अपने घर की रानी बना के रखूंगा। और ये बात सुगंधा भी जानती है ना सुगंधा? भले ही पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन तुम्हारा ये भाई हर तरीके से तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगा। कभी भी कोई भी मुश्किल हो बस एक खबर भिजवा देना। अब हमें चलना चाहिए वरना घर पहुंचने में देर हो जाएगी। अच्छा गोवर्धन जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। चले पहले बेटे का सपना तोड़ा और बेटी को भी ना कह दिया। आओ बहू, अंदर आओ। माँ जी, आप सब थक गए होंगे, भूख भी लगी होगी। मैं नहाकर पूजा कर लेती हूँ, फिर खाना बना देती हूँ। आप सब खाकर आराम कर लीजिएगा। नहीं बहू, थक तो तू भी गई होगी, इसलिए तू आराम कर। माँ जी,
मैं खाना बनाकर। मैंने कहा ना तुझे वो सब करने की कोई जरूरत नहीं, चल आराम कर। बहू आज से तुम्हें घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं, पत्ता तक उठाने का कष्ट नहीं देंगे हम तुम्हें। आज से तुम बस इसी कमरे में रहोगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं मजबूर हूं बहू, लेकिन सबका यही फैसला है। आज से तुम्हारा इस घर में घूमना फिरना बंद। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए माँ जी। मैंने बात तो की थी ना आप सबके सामने। बात करने से क्या होगा बहू, परिणाम भी तो जरूरी है। पर हमें साक्षी बनाकर हमारी समस्या खत्म तो नहीं हो गई ना। दोष तुम्हारे बाबा का है। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब उन्हीं के कारण है। कुछ नहीं होगा बहू। मुझे सजा क्यों दे रहे हैं आप लोग? मैंने हर बार अपने आई बाबा से मदद मांगी थी, उन्होंने की भी थी, इस बार वो बेचारे खुद ही। इतनी मिन्नतें अगर अपने बाप से की होती ना तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर नहीं, उन्होंने एक बार मना कर दिया और तुम भी फौरन मुंह में दही जमा कर बैठ गई। उनके पैर नहीं पड़ सकती थी तो जरूर देते, पर तुमने ये सब नहीं किया क्योंकि तू चाहती ही नहीं थी वो हमारी मदद करे। मैं सब समझती हूँ, अब भुगतो। नहीं बाजी, ऐसा नहीं है। बाजी मेरी बात तो सुनिए आप, अब दरवाजा खोलिए बाजी, दरवाजा खोलिए। आप समझाइए ना बाजी को।
ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई दिया कैसे चल गया आन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। इस अंधेरे में आप रोशनी बनकर मेरे रक्षा के लिए आए, धन्यवाद साईं। अब बस मुझे इस संकट से भी निकाल दीजिए। श्रद्धा और सबूरी बेटी, राम जी सब ठीक कर देंगे। बस एक बात याद रखना, रात काटने के बाद ही सवेरा होता है। आपसे नजर मिलाने के लायक नहीं हूं मैं, बहुत पाप किए मैंने। फिर भी आप जैसे महात्मा ने मेरे नया जीवन दिया मुझे। किसी को जीवन देने वाला मैं कौन होता? प्रकृति के फैसले बदलने की ताकत किसी में नहीं होती। मृत्यु के बाद जीवन का मिलना असंभव है। जीवन मृत्यु तो बस राम जी के हाथ में है। राम जी की नजर में तुम्हारा जीवन बाकी रहा होगा, इसीलिए उन्होंने तुम्हें वापस भेज दिया। साईं, लेकिन ये हुआ कैसे? मुझे लगा था कि मैं मर चुका हूं। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, अचानक एक रोशनी दिखाई दी और मैं उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। उस रोशनी में मुझे आप दिखे।
और साईं, आपने कहा था कि आप मुझे मेरी नियति तक ले जाने आए हैं। किस नियति की बात कर रहे थे आप साईं? मुझे तो लगा था कि जितने पाप मैंने किए हैं उसके हिसाब से नरक में जलना ही मेरी नियति है। जलना तो है लेकिन पश्चाताप की अग्नि में। क्योंकि इसी अग्नि में जलकर तुम सोना बनोगे। लेकिन ये पश्चाताप तुम्हें नरक में या अगले जन्म में नहीं, यही इसी जन्म में करना है। धन रहे ना यौवन रहे, रहे गांव ना धाम, कहे कबीरा बस जस रहे, कर दे किसी का काम। एक दिन ना धन रहेगा ना ही यौवन साथ होगा, गांव और घर भी छूट जाएंगे। रहेगा तो इंसान का यश, अच्छे कर्म, यही वो अनश्वर है जो उसकी कीर्ति, उसका नाम अमर कर देगा। मौत के मुंह से तुम्हें वापस भेजने के पीछे राम जी के उद्देश्य को समझो। जिंदगी भर किए बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना है तुम्हें। हर एक बुरे कर्म के बदले 10 अच्छे काम करने, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। सुगंधा, क्या हुआ? क्या हुआ आई को बाबा, क्यों चिल्लाई? वो कल रात तबीयत ठीक नहीं थी तुम्हारी आई की, तुमसे सोने दिया, लेकिन अभी अचानक सुगंधा का नाम चीखते हुए जागी है। शायद आई ने कोई बुरा सपना देखा होगा। क्या देखा आपने आई? ऐसा कुछ नहीं होगा कमल, तुम डरो मत। एक माँ का दिल झाड़ लेता है जब संतान पर कोई परेशानी आई हो। आप मुझे साई के पास ले चलिए, मैं उन्हें इस सपने के बारे में बताना चाहती हूँ।